नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां अंतरराष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक और निजी संगठनों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा भी कराई गई। वहीं इसके साथ ही रोडवेज मुख्यालय के आदेशानुसार स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड पर अलग से शिशु वात्सल्य कक्ष स्थापित किया गया। आपको बता दें कि आगामी कुछ ही दिनों में ये कक्ष तैयार हो जाएगा, जिसमें महिलाएं नवजात शिशु को इस कक्ष में स्तनपान करा सकेंगी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के अंदर महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिला वर्ग काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो हम सभी का यही मानना है कि इस तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम करके हम महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और आज हमने वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान के साथ ही कुछ भजन कीर्तन भी। आज पूरे राजस्थान की सीमा में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का तोहफा राजस्थान सरकार की तरफ से दिया गया है। महिलाओं को राजस्थान की सीमा में यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा है। इसके साथ ही महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए ये एमडी सर का भी मैसेज है, और हम भी चालकों परिचालकों को अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं कि आप महिलाओं को ये बस में मैसेज करें कि मतलब रोडवेज महिला दिवस को हमेशा की तरह एक महिला दिवस के रूप में ही मना रही है, जबकि इसको त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है।